हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल कुक विद प्रणाली। आज हम चिकन बर्गर की रेसिपी ट्राई करने वाले हैं। सबसे पहले हम 250 ग्राम चिकन लेंगे, उसे हम मिक्सर के बर्तन में डालेंगे। उसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून पिज्ज़ा मिक्स, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसे हम मिक्सर में ग्राइंड करेंगे एंड इसकी पेस्ट बनाएंगे। उसमें हम चॉप्ड अनियंस ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसकी हम 4 पैटी बनाएंगे। अगर आपको क्रंची चाहिए तो आप ये पैटी फ्लैट बनाना। अब हम पैन में ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल एंड उसमें हम ये चिकन पैटीज डालेंगे एंड इसे शैलो फ्राई करेंगे। हम एक साइड को 2 to 3 मिनट्स के लिए पकाएंगे, देन इसे फ्लिप करेंगे एंड दूसरी साइड को भी 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 3/4 टेबलस्पून बटर। इससे पैटी को बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हम बटर में भी एक साइड को 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे एंड दूसरे साइड को भी 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। जो मेल्टेड बटर है पैन में, वो हम पैटी के ऊपर धीरे धीरे डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा ब्राउन नहीं पसंद तो आप उसे थोड़ा कम भी पका सकते हैं। इसे पकाते हुए केयरफुल रहे, बटर की वजह से ये पैटी जल्दी जल भी सकती है। अब हम रेडीमेड बर्गर बंस लेंगे, उसे हाफ में कट करेंगे, दोनों साइड को टोस्ट करेंगे। ये ऑप्शनल है। अगर आपको सॉफ्ट बंस पसंद है तो आप ये स्टेप स्किप करें। हम दोनों साइड को अच्छे से टोस्ट करेंगे, फिर हम इसमें मोज़रेला चीज डालेंगे। ये स्टेप ऑप्शनल है, इससे बर्गर का फ्लेवर एनहांस होता है। अगर आपके पास चीज नहीं है तो ये स्टेप आप स्किप करें। जब चीज मेल्ट हो जाएगा तब आप इसे प्लेट में निकालें। अब हम बन पे पैटी रखेंगे और मैं 2 पैटी यूज़ कर रही हूँ। आप चाहिए तो 1 पैटी भी रख सकते हैं। आपको अगर इसमें वेजीज पसंद है तो आप कैबेज, टमेटो ये ऐड कर सकते हैं। जल्दी से ये ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि ये कैसे बना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। Hit like and please subscribe to my channel.